खुशखबरी है भाई साहब, कल रात सुमन आई थी, उसने मेरे सामने रणवीर से शादी करने से इनकार कर दिया है। इसलिए अब ज्यादा डिले ना करते हुए हमें साहिल और मन्नन की शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। नुपुर, तुम भी टेस्ट करो। आपकी हाँ ही बचा सकती है मुझे। आप प्लीज रणवीर से शादी करने के लिए हाँ बोल दीजिए। सास हमेशा अपनी बहू से जीत जा रही, लेकिन माँ माँ औलाद के सामने हार जावे। हारे तुम्हारे पे पूरा भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। मैं जो भी फैसला लूंगी तारे को मंजूर होगा। ये भी कोई पूछने की बात है मासा? दरअसल मैं रणवीर के लिए तुमसे सुमन का हाथ मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल में दर्जनों सवाल उठ रहे होंगे। मैं तुम्हारी सुमन का अतीत जानते हुए भी उसे अपने रणवीर का भविष्य बनाना चाहती हूँ। अगर मेरे इस फैसले में तुम्हारी हाँ शामिल हो जाए ना, तो मुझे दुनिया की भी परवाह नहीं। सुमन जैसी संस्कारी और गुणी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर हमें बहुत गर्व महसूस होगा। जी, लेकिन अगर तुम इनकार भी कर दोगी ना, तो भी मैं इसकी वजह नहीं पूछूंगी तुमसे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि कुछ भी फैसला लेने से पहले इन बच्चों की खुशी के बारे में एक बार सोच जरूर लेना। साहिल मुझसे शादी नहीं करेगा मासा, क्योंकि भाभी से रणवीर से शादी नहीं करेगी और साहिल मुझसे शादी नहीं करेगा। इस पानी में ना थोड़ा जहर भी मिला दीजिए, मैं अच्छे से मर जाऊं, क्योंकि मुझे खुश देखना चाहते हो ना। आप प्लीज रणवीर से शादी करने के लिए हाँ बोल दीजिए। आज पहली बार संजना के सामने हमारे अंदर की महार क्या फैसला किया तुमने कलावती? हाँ या ना? मासा हाँ बोल दो, हाँ बोल दो प्लीज मासा। मासा मारे को ये रिश्ता मंजूर है।
माता का आशीर्वाद ही है, अब आपकी बेटियों के हाथ भी जल्द ही पीले हो जाएंगे। जय तुलसी मैया की। मेरी सुमन भाभी की लाइफ में खुशियां लाने के लिए थैंक यू तुलसी मैया। सुमन, कलावती ने तो हाँ कर दी, लेकिन ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ सुमन, कि क्या तुम्हें मेरे रणवीर की जिंदगी में शामिल होने से कोई एतराज तो नहीं है? जी, वो जे के बोलेगी मां साहब। देखा नहीं आपने, घबराहट के मारे इसके हाथ से तो ट्रे ही फिसल गई। बचपन में इसके माँ बाप गुजर गए थे और जिस बुआ ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया वो भी अब ना रही। शादी के बाद इसकी सब कुछ मैं, मैंने जो भी फैसले लिए इसने कभी मना ना किया। सुमन, फिर भी मासा की तसल्ली के लिए अपने दिल की बात बता दे। भाई, तुम्हारे पे पूरा भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। मैं जो भी फैसला लूंगी तारे को मंजूर होगा। पता नहीं भाभी सा क्या बोलेगी। ये क्या क्या माने? ओ नो, अब क्या होगा? भाभी क्या बोलेंगी? अरे बता दे कि थारे को इस रिश्ते से कोई एतराज ना है। जी। शाबाश। अरे संजना, अंतरा, बाहर आओ, देखो कौन आया है। अरे बस बस, जीती रहो, खुश रहो तुम दोनों। भाई, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, रणवीर के रिश्ते के लिए कलावती ने सुमन के लिए हाँ कर दी है। जाके भाभी को मुबारकबाद दो। कंग्रेचुलेशंस भाभी साहब। अब बधाई देते रहोगे कि मुंह मीठा करोगे? जी, मैं लेकर आ। बहुत शुक्रिया कलावती। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं सुमन से कुछ देर के लिए अकेले में बात करना चाहती हूँ। हाँ, क्यों ना भाई, शादी से पहले एक दूसरे के मन की बात जानना जरूरी है। सुमन, चल। बच्चे को तो मैंने मुबारकबाद दी ही नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। हे तुलसी मैया, जी कैसी दुविधा है। जब मैं ये शादी करना ही नहीं चाहती तो क्यों बार बार रणवीर को लाकर मेरे सामने खड़ा कर देती है? और आज तो मासा ने भी संजना और दादी सा के दबाव में आकर हाँ कर दी है। अब मैं क्या करूं मां? आप भी कोई रास्ता दिखाइए। सुमन, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम बार बार शादी के लिए इनकार करती और मैं हर बार तुम्हें शादी के लिए मनाने चला आता हूं। पर ट्रस्ट मी सुमन, इस बार इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं अपने कमरे में सो रहा था और सुबह सुबह अचानक दादी मेरे कमरे में और मुझे यहां ले।
But Suman, I'm really very happy कि finally कलावती आंटी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। ये सच नहीं है रणवीर, अंदर हाँ करना मेरी मजबूरी थी। सच्चे है कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी बात से परेशान हो। कहीं तुमने कलावती आंटी की वजह से शादी के लिए हाँ तो नहीं कहा? ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? रणवीर को सच बताती हूँ तो संजू की शादी रुक जाएगी, और ना बताऊँ तो? सुमन, तुम उससे शादी तो करना चाहती हो ना? नहीं। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्या रणवीर जी, आप भी एक ही कॉलेजेस में और एक ही क्लास में पढ़ने के बाद भी आप समझ नहीं पाए? भाभी की नहीं का मतलब था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज भाभी जी, मुझे स्पीक्स करने दीजिए। मुझे तो पहले से ही पता था आप ना ऐसे शाइज कर रहे होंगे। अच्छा हुआ कि मैं आपसे बात करने आ गई। ये संजना मुझे बोलने क्यों नहीं दे रही है? अभी रणवीर के सामने सारी बात साफ हो जाएगी। भाभी का कहना ये है कि अगर आपकी शादी भाभी सा से हो गई तो आपके साथ बहुत बड़ी इनजस्टिसेस हो जाएगी। पर क्यों? क्योंकि भाभी सा को ये लगता है कि इतनी बड़ी फैमिलीज का लड़का एक विडो से और एक बच्चे की माँ से शादी करेगा तो ये अच्छा नहीं है आपके लिए। संजना ने बात घुमा क्यों दी? इसका मतलब जी भी चाहती है कि मेरी शादी रणवीर से? और ये लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गई। भाभी साहब को लगता है कि अगर भाभी साहब आपसे शादी करने के लिए हाँ बोल भी दे, आपकी मॉम कभी भी इन्हें अपनी बहू का दर्जा नहीं देंगी, इसलिए वो बार बार मना कर देती है। देखिए अभी भी कितनी घबरा रही है, इनकी आंखों में भी नमी है। वरना भाभी साहब को शादी से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। भाभी साहब आप क्यों चिंता करते हो? रणवीर जी है ना, वो सब संभाल लेंगे। भाभी साहब अगर साहिल से मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज जीजी, जी तुम्हारी नींद की गोलियां है। अरे सारी की सारी खा ले। ए छोरी, जीजी ए पगला क्या कर रहा? मैं ना चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारी दोनों छोरियों के ब्याह में फिर कोई अड़चन आ जाए। सुमन, तुम मॉम को लेके बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं हूं ना, मैं मॉम को मना लूंगा। देखो सुमन, तुम्हारे पास्ट में जो भी कुछ हो उसे ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है और ना ही मेरे परिवार को। तभी तो आज मेरी दादी यहां पर आई मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे लिए। सुमन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस एक बार बता दो तुम मुझसे शादी करोगे खुशी खुशी। अब हाँ क्यों नहीं, जरूर करेंगी। देखा भाभी साहब, रणवीर जी ने आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब तो आप खुश हो ना? कर दीजिए ना स्माइल, अपने लिए ना सही कम से कम मेरे लिए तो कर दीजिए। कंग्रेचुलेशन रणवीर जी, और कुछ सुनना सुनाना है मेरी छोटी देवरानी जी से? और कुछ
क्या खड़े हैं? चलिए मुंह मीठा करते हैं। आपने मुझे जन्म दिया और रवि के जाने के बाद मासा ने मुझे जीने की उम्मीद, इसलिए अब मेरे जीवन में जो भी होगा उसे मैं अपनी किस्मत और मासा का फैसला समझ कर निभाऊंगी। डब्बू, सुहासिनी, सिंदूरा, नूपुर, अरे साहिल, मनन, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे आराम से, धीरे आराम से बोलिए मासा, फिर खांसी छिड़ गई ना। अरे मेरी खांसी को मार गोली, बस खुशियां बनाने की तैयारी करो। किस बात की मासा? अपने तीनों पोतों की शादी एक साथ एक मंडप पे देखने की मेरी आखिरी इच्छा पूरी होने का वक्त आ गया है। मासा तो क्या रणवीर निहारिका से शादी करने के लिए मान गया? नूपुर, रणवीर ने शादी से मना ही कब किया था? शादी वो सुमन से करना चाहता था। मनाना तो कलावती को था और कलावती सुमन की शादी हमारे रणवीर से कराने के लिए राजी हो गई है। कलावती? सुमन मेरी बहू नहीं बन सकती। सिंदूरा, अपनी आवाज पर संयम रखो, ये मत भूलो कि तुम मासा से बात कर रही हो। मासा इस घर में अगर कोई फैसला ले लेती हो तो उसे कोई भी नहीं टाल सकता, तो इस फैसले को लेने का हक तुम्हें किसने दे दिया? तो ठीक है, आज ये भी फैसला हो जाने दीजिए। सिंदूरा, कुछ भी कहने या करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से इस रिश्ते के बारे में सोच तो लो। आकाश प्लीज, आज तक मैंने तुमसे कभी भी किसी भी हेल्प की उम्मीद नहीं की, इसलिए प्लीज। तुम्हें मैं बहुत समझा चुकी हूँ रणवीर, लेकिन अब जब बात फैसले पर आ गई है तो तुम्हें सुमन के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले अपनी माँ के साथ रिश्ता तोड़ना होगा। तुम्हें अपनी माँ चाहिए या फिर वो सुमन? मुझे माँ चाहिए। लेकिन सुमन के साथ। सिंदूरा,